इसका हमारा क्या फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, क्या ग्रुप
पांच कुर्ते पांच हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे पांच से पच्चीस हो जाएगा, तो पच्चीस हमारा क्या है, ये क्या है, दो संख्या है। इसी तरह से क्या है, यह लीजिए सोलह सोलह छत्तीस उनचास उनचास चौसठ और क्या हो इक्यासी और सौ, ये सब हमारे क्या है, पूर्ण संख्या है। आप मुझे कैसे पूर्ण संख्या है, देखिए जब पूर्ण संख्या की बात करें सोलह कम कर लीजिए चार कितने कितना जाएगा चार, तो चार बीस का बराबर चार बीस का हो जाएगा। इसी तरह से क्या हमारा छत्तीस है, छत्तीस को लिखेंगे सिक्स इंटू सिक्स हो जाएगा इक्वल टू सिक्स का हो जाएगा, ये हमारा पूर्ण संख्या है और ऐसा विभाग संख्या है। और इसी तरह से पचास है, तो पचास के सेवन इंटू सेवन लिखेंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग संख्या हो जाएगा, क्योंकि पचास हम इस तरह से लिखेंगे फोर्टी नाइन इक्वल टू सेवन इंटू सेवन इक्वल सेवन स्क्वायर, ये हमारा क्या वर्ग संख्या हो गया। ये और इसके साथ और लिखे इक्यासी, इक्यासी क्या लिखेंगे नौ इंटू नौ, नौ नौ इक्यासी होता है, तो इसे लिखेंगे कितना फिफ्टी वन इक्वल टू नाइन इंटू नाइन इक्वल नाइन स्क्वायर, ये हमारा क्या है वर्ग संख्या हो गया। वर्ग संख्या की जब बात करेंगे पच्चीस हो गया सोलह हो गया चार हो गया, चार ही होगा आपका वर्ग संख्या, चार लिखेंगे दो गुणे दो बराबर क्या हो जाएगा तीन स्क्वायर हो जाएगा। और क्या है नौ भी हमारा क्या है, क्या है वर्ग संख्या है, लेकिन नौ को क्या लिखेंगे तीन इंटू क्या हो जाएगा तीन बराबर तीन इंटू क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये सब जिसकी पावर दो रहेगा वह वर्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसके क्या बेस में क्या है उसके आधार में कोई संख्या रख सकते हैं कि वर्ग संख्या हो गया। जैसे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हम इसे कहते हैं एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा क्या है, ये बिल्कुल वर्ग है, किसका वर्ग है एक्स का है, एक्स पावर कितना दो गया हम इसे पढ़ते क्या है एक्स स्क्वायर पढ़ेंगे। इसी तरह से क्या है एक्स हो गया और दो है तो हम कहेंगे एक्स के होल पावर क्या हो गया दो, ये भी करके तरीके हैं। और जिससे क्या हो गया एक्स वाई, एक्स वाई की पावर दो, हम कहेंगे एक्स वाई की होल पावर कितना हो गया दो हो गया, देखिए होल मतलब क्या होता है अभी बताए होल को क्या कहते हैं पूरी संख्या, होल मतलब क्या होता है तो पूर्ण होता है, और जब क्या है संख्या की बात करेंगे तो क्या पूरी संख्या जिसे यहाँ पे क्या है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये तो क्या है उनको हमारे होल नंबर है, जब क्या है बात करेंगे होल किसी वर्ग की बात करेंगे तो एक्स क्या हो गई एक्स स्क्वायर करेंगे इसे लिखेंगे एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, जब क्या हटाएंगे तो एक्स
क्या, छह, आठ, नौ, दस। अब देखिए ये सब हमारे क्या है, भाज संख्या है, मतलब कि ये सब संख्या में क्या है, किसी भी संख्या से क्या है भाग जा सकता है। जैसे ध्यान दीजिए किसी संख्या का मीनिंग हमारे यहाँ है ये चार है, चार में क्या है कोई भी संख्या तो दो ऐसी से संख्या जो कि चार को क्या डिवाइड कर देगा। अब नौ है, नौ को तो दो डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा क्या है कि दो के अलावा और संख्या है जो कि नौ को डिवाइड कर सकता है, वो संख्या तीन है, तीन से डिवाइड करेंगे तीन से हमारे पहले डिवाइड हो जाएगा। और देखिए दस है, दस दो से भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, पाँच से भी डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए जब हम संयुक्त संख्या की बात करते हैं, जैसे क्या चार में दो गुणते दो, छः हो गया तीन गुणते दो, आठ हो गया क्या है चार गुणते दो, और क्या इसके अलावा हम यहाँ पे एक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक न तो अभाज्य संख्या है न तो क्या है हमारा संयुक्त संख्या है। अभाज्य संख्या देख लीजिए, अभाज्य संख्या में क्या बिल्कुल एक नहीं है, ये क्रिया हमारा क्या है बिल्कुल अभाज्य संख्या नहीं होता है, प्रणत हमारा संयुक्त संख्या है, क्योंकि एक से अधिक इसके गुणनखंड नहीं होते। अगला पॉइंट है कि ये वर्ग संख्या में, वर्ग मतलब ये हो गया कि किसी की पावर क्या है दो रहेगा तो वर्ग हमारा कहलाएगा। जैसे क्या होगा हमने क्या छप्पन ले लिया, छप्पन की पावर दो हो गया, इसका मतलब ये हमारे क्या वर्ग संख्या हो गई। तो कैसे हो गया बिल्कुल हम छप्पन की तरह लिखेंगे, छप्पन को लिखे क्या जाएगा छप्पन, ये हमारे क्या वर्ग संख्या हो गया। अब इसी में मान लिया जो क्या है अगला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा क्या है पूर्णांक। हमारे क्या नंबर चले
नेगेटिव पॉइंट क्या है, परमिशन क्या। देखिए परमिशन से इक्वेशन करते हैं रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर को क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के द्वारा। तो इसका मैथमेटिकल जो है क्या है, बिल्कुल मेथड क्या है, एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स सर्वेन एक्स इक्वल टू ए बाई बी। ये हमारा बिल्कुल क्या है, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, क्या किसे रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर। इसे हम क्या करते हैं परमिशन क्या। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो ए और बी ये है क्या, ए ये हमारा क्या है, ए और बी हमारा क्या है, इंटीजर नंबर है। अभी क्या है जस्ट बताए कि इंटीजर नंबर आई स्क्वायर रूट होता है कितना है, आई स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा जो फाइनाइट हो जाएगा, यहाँ हमारा जो शुरू हो गया वन टू थ्री फोर डाटा डाटा ये हमारा अनंत तक चला जाएगा। ये देखिए हमारा जो फाइनाइट है हमारा क्या है बिल्कुल साइन है, और ये भी हमारा और इसके पहले पूछेंगे माइनस वन हो जाएगा कहाँ लगाते चले जाएंगे माइनस टू और माइनस थ्री डॉट 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 ऐसे बढ़कर चला गया। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये क्या है इंटीजर नंबर है। अब आपको ये देखना ये है कि ए और बी इसमें से कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे क्या है ए का स्थान में क्या लेंगे ये और क्या हो गया हमारा वन लेंगे और बी के स्थान में क्या लेंगे माइनस थ्री। हम कहेंगे इसमें भी काम करना आएगा और
बात कर दी कि सात क्या हो गया, दसमलव संख्या है, दसमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना होगा। ये सात दसमलव संख्या का मतलब क्या हो गया, जीरो दसमलव से पच्चीस हो गया, इसे क्या है परिमेय संख्या का आपको बदलना है। और इसी तरह से क्या है, जीरो दसमलव कितना हो गया सिक्सटीन के हो गया, जीरो दसमलव कितना हो गया थर्टी हो गया, जीरो दसमलव कितना हो गया फिफ्टी हो गया, इसे क्या है सात दसमलव संख्या का आपको बदलना है। तो इसे क्या है बिल्कुल सिंपल क्या है, दसमलव मतलब आप जानते क्या है आता है, दसमलव मतलब क्या हो गया एक हो गया। इसके बाद जितनी भी संख्या होती है उतनी संख्या क्या बढ़ा दीजिए, क्या दूसरा बढ़ा दी, यह हमारा क्या हो गया बिल्कुल एक परिमेय संख्या हो। अब इसी तरह से क्या है इसे कैंसिल करेंगे, पच्चीस का पच्चीस है, पच्चीस का सौ बराबर एक बटे चार है। अब यहाँ कहेंगे एक यहाँ के पास सिक्सटी थ्री है, सिक्सटी थ्री अपन दसमलव मतलब एक दो संख्या है, दो संख्या का मतलब क्या हो गया दो जीरो बढ़ा दी, जब दो जीरो का मतलब क्या है दो जीरो क्या है बढ़ा दी, कितना हो गया सिक्सटी थ्री बाई कितना हो गया हंड्रेड हो गया। अब देखिए आगे क्या है तेरह है, हम इसे लिखेंगे तेरह और यहाँ पे क्या एक हो गया, यहाँ पे सिक्स ले लीजिए, यहाँ पे सिक्स छत्तीस हो गया, तो कितना हो गया दसवां मतलब एक है, पीछे कितनी संख्या है तीन संख्या पीछे है, तो क्या करेंगे तीन जीरो क्या करेंगे आप इसे क्या है बढ़ा देंगे, कितना देगा वन टू। अब इसी तरह से क्या है जीरो दशमलव पंद्रह, इसे परिमेय संख्या में आपको क्या कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे जीरो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा फिफ्टीन अपान वन दो संख्या है, यह बिल्कुल हमारे क्या परिमेय संख्या हो गया। इसे क्या है सात दशमलव संख्या को क्या करेंगे परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना होगा, तो इस तरह से आप क्या कन्वर्ट करेंगे। जब असान परिमेय संख्या की बात करेंगे, असान परिमेय संख्या को क्या करेंगे परिमेय संख्या में क्या कर कन्वर्ट करिए, जो
चार दिवस में रहेगा, तो यह ध्यान दीजिए 0.4 है, तो क्या है ये संख्या उधर ले जाएगी 10 के पावर -1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 10 के पावर क्या है -1, और उल्टे 10 का भी तो क्या आधार समान हो जाएगी, 10 की घाती 1 माइनस 1 बराबर कितना, 10 की घाती 0 बराबर क्या 1 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा जब 10 मल्टीप्लाई करेंगे 4.4444 का इस तरह से क्या बिल्कुल बढ़ता हुआ चला जाएगा। जब आप क्या करेंगे बाहर हटाएंगे जो आपको संख्या मिलेगी उसे समीकरण नंबर कौन सा मान लेंगे 5, और जो क्या करेंगे जब दोनों साइड में क्या है बाहर के अनुसार क्या है संख्या का मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई करेंगे या कहेंगे संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तब उसे समीकरण नंबर कौन सा मान लेंगे 6। अब करना क्या है यहाँ पे आपको x के मान को निकालना है, x के वैल्यू कैसे निकालेंगे सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें इस संख्या क्या करेंगे बता देंगे, देखेंगे समीकरण 1 था 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं यहाँ पे 10 एक्स में 1 एक्स है ठीक है 10 एक्स और माइनस एक्स कर दिए बराबर आ जाइए। यहाँ देखिए अब इसके साथ क्या है 20 है इसलिए 10 एक्स कटाए हैं 4.4444 ये बढ़ता चला गया फिर माइनस लगाएंगे फिर यहाँ क्या 0.44 ये बढ़ता चला गया। अब यानी दशमलव के बाद क्या दशमलव के बाद संख्या घटाई जब सेम रहेगा तो घट जाएगा तो बिल्कुल चीजें घटा ही नहीं चार चार है इसके पीछे भी चार चार है तो 0 हो गया यहाँ पे केवल बचेगा तो 4 बचेगा यहाँ पे 10 एक्स में से 1 एक्स केवल क्या होगा कम हो जाएगा तो कितने एक्स के बराबर हो जाएगा 9 एक्स। अरे भाई 10 एक्स में 1 एक्स कम कर देंगे 9 एक्स ही बचेगा कितना 9 एक्स बराबर कितना 4 जाएगा तो एक्स बराबर कितना जाएगा यहाँ पे 9 घटाएंगे 4 बटे कितना जाएगा यही हमारा क्या हो गया बिल्कुल क्या है एक परिमेय संख्या मिला किसका परिमेय संख्या मिला एक अशांत दशमलव संख्या दी गया है उसे परिमेय संख्या में क्या करके बदल दी हम कहेंगे यहाँ से बराबर 0.4 हो जाएगा।